एवरी वन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस ब्लॉग। यार पता है, आज तो मुझे ना 5 बजे ही नींद खुल गया था एकदम। ऐसा मतलब मैं एक्चुअली था ना, मतलब कल रात में प्लान आया कि ना, मतलब सुबह उठने का हैबिट लगा लिया, मतलब मन में ये बात आया सो इसके लिए करना क्या होगा। तो हम ना सोचे कि 6:20 का अलार्म लगा, जैसे तो 7 बजे उठते ही हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा समय हम कम करते हैं, ठीक है, और ताकि ना नींद ये हो, हैबिट भी लग जाए, क्योंकि सब कुछ हैबिट के ऊपर है। हम 5 बजे 4 बजे जब जिम जाते थे ना, तो 4-4 बजे उठ जाते थे, वो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था क्योंकि वो हैबिट में आ गया था, ठीक है। तो हुआ क्या है ना कि 6:20 का तो हम अलार्म लगाए थे, लेकिन आज मतलब अचानक 5 बजे ही मतलब लगा है कि अभी तक अलार्म नहीं बजा, ठीक है। और जैसे ही देखे मुझे 5 ही बज रहा है, अब क्या करें, अब उठ गए हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा तो मतलब नींद खुली गया है। उसके बाद हम फिर सो ही नहीं पाए, फिर गए हैं टहल वहल के, थोड़ा सा आए एकदम, पूरा एकदम मस्त हवा बह रहा था एकदम, है ना। फिर उसके बाद उठे तो उठे ही रह गए, मुझे चलो ठीक है एकदम। सब लोग सब क्या बात है, 7 बजे उठने वाला आदमी 5 बजे कैसे उठ जाता है, ये होता है कभी कभी एकदम, है ना। काम कर लेते हैं और देखते हैं फिर, है ना। आई होप आज का दिन सबके लिए बेस्ट रहे, करना तो पड़ेगा ना। एवरीवन, तो फाइनली वर्क ओवर हो गया आज का एकदम, है ना। चलते हैं थोड़ा सा उधर डिस्ट्रैक्ट की दुनिया में, लेकिन 8:30 हो गया, 8:30। देखने से लग रहा है कि कुछ देर पहले लगा है। साइड से निकाला जा सकता है क्या, पता नहीं यार। फाटक अलग परेशान करके रखते हैं, कब बंद हो जाता है, कब चालू हो जाता है, पता नहीं चलता। वादा कुछ नहीं तो इंजनों ना घुमा देता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना कंटाप गर्मी है ना कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बज गया रात को 8 एकदम। थोड़ा सा आराम नहीं, काम करते हैं, फिर उसके बाद तब देखा जाएगा। इधर हवा लग रहा है। एवरीवन, तो फाइनली खाना पीना यार हो गया। पता है आज तो मुझे ना मतलब सर दर्द कर रहा था एकदम, क्योंकि कल रात को ना मैं 4 घंटा ही सोया, नींद खुल गया एकदम, पता नहीं क्या एकदम नींद खुल गया ना, तो उसके बाद सो ही नहीं पाया। तो आज तो थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि हाँ, मतलब नहीं लगता है मेंटली पूरा थोड़ा सा ये हो गया, अगर नहीं सोएंगे ना तो फिर ठीक रहेगा। अभी कुछ काम करने का भी मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है एकदम, है ना, क्योंकि मतलब हल्का हल्का सा जो सर है ना पेन हो रहा है एकदम, क्योंकि वैसे भी अभी थोड़ा सा सोना ऐसे ही कम कर दिए, तो पहले था कि 7-7 घंटा सो लेते थे, है ना। तो अभी जब से घूम के आए हैं ना, उसके बाद 7 घंटा कभी नहीं सोए, वही 5 घंटा 6 घंटा। हैबिट, हैबिट का बात रहता है ना, ठीक है, हैबिट अगर आपका बन जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं रहता है, है ना। वैसे भी आज एक टीचर्स डे, अच्छी बात बताओ, टीचर होता कौन है यार, मतलब ऐसा तो बिल्कुल, ये तो आप अपने मन से ना ये निकाल देना कि जो स्कूल में पढ़ाता है, है ना, वही टीचर होता है। उसके अलावा भी हर आदमी ना अपने आप में एक टीचर होता है, है ना। हो सकता है कि मैं जहाँ से सीखा हूँ, मैं जिनसे सीखा हूँ वो मेरे लिए है, मैं जिनको सिखाता हूँ उनके लिए मैं हूँ,
है ना। और मतलब ये सब पूरा ना एकदम साइकिल ये बना हुआ है एक तरह का एकदम। कई बार देखे हैं कि हाँ रिक्शा वाला ठेला वाला मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ना। ठीक है वहाँ से भी आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा एकदम, तो वो आपके लिए टीचर है। हर आदमी के अंदर ना कुछ यूनिक होता ही होता है। अगर हमको तैरने नहीं आता है और जो बोट वाला रहता है ना, जो नाविक जिसको कहते हैं बोटमैन, उसको तैरने आता है, हम उससे वो सीख सकते हैं ना, मेरे लिए वो टीचर हो गया। बस सोच का फ़र्क है मेरे दोस्त, सोच का एकदम, है ना। और सीखना जीवन भर आदमी सीखता है, उसमें कहीं कुछ ये नहीं होना चाहिए, मतलब मन में कभी ये नहीं अहंकार नहीं होना चाहिए कि आई नो एवरीथिंग, है ना। अहंकार हो गया तो सब डालम डोल हो जाता है एकदम, सब गड़बड़ हो जाता है। हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करो एकदम, हमेशा किसी से भी एकदम। आप कई बार ये देखोगे ना, छोटा छोटा बच्चा सब ऐसा ऐसा बात बोलता है ना, मतलब आपको लगेगा नहीं अच्छा इसे भी हो सकता है क्या। तो यू कैन लर्न, आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं, है ना। कोई नहीं, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द व्यूवर्स। हर आदमी ना अपने आप में टीचर है, मैं तुम, ये मेरा सोच है, बाकी आपका क्या है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, है ना। और आज करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि थोड़ा सा सोना है आज मुझे, है ना, चांदी नहीं है सोना है। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर।